కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా రైట్ జూన్ 25న హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలైంది మరియు విచారణకు వచ్చింది। जर्नल सेक्रेटरी पटनम, ये जो है हमारे बेहतरीन एक सोशल एक्टिविस्ट है और हर चीज़ में जो है आप बेहतरीन काम करते रहते हैं। तो आज आपके दरमियान में लाइव आने का मकसद ये है कि कई दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का लूट चल रहा है और ये जो सरकार की तरफ से रिसेंटली जो GORT नंबर 1248 जो GORT नंबर आया है उसको जो है कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो है अमल नहीं कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले हमारे DG नरसिम्हा राव साहब ने एक तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट डाला था, उनका प्रे था और रिट में रिट नंबर 142 ऑफ 2020 एंड आपका ये मुतालबा था कि अदालत से कि 50% ऑफ दी जो सीट्स है जो बेड्स है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में दैट शुड बी टेकन ओवर बाय दी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, मॉनिटर दोनों मिलके उसको मॉनिटर करना और उसके अंदर जो है फ्री इलाज करना उसमें बोल। दूसरा ये था कि मुतालबा उसके अंदर कि कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, ये पब्लिक डोमेन में आना डेली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मालूम रहना कि यशोदा में इतने बेड खाली है, केयर में इतने बेड खाली है, विरिंची में इतने बेड खाली है। तो आखिर पब्लिक जो है जिसको भी ज़रूरत है वो वेबसाइट देख के वो हॉस्पिटल को जा सकती है। और उसमें ये था कि डोर टू डोर टेस्टिंग करना, इस तरीके से दूसरे केरला में और आपके आंध्रा में जहाँ पर डोर टू डोर टेस्टिंग चल रही है COVID-19 की, यहाँ पर की गवर्नमेंट नहीं कर रही है बोल के हमारे जीवन को नरसिम्हा राव साहब जो है ये अदालत से रुजू हुए थे। तो अदालत ने इनके पिटीशन को एडमिट करते हुए कल एक जजमेंट पास किए, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट राघवेंद्र सिंह चौहान और विजय सेन रेड्डी, ये बोले कि आप जो है जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है, जो बढ़ के जो बिल लिया जा रहा है इसके ऊपर जो है कुछ सबूत ला के दियो अदालत को। तो मुझे पहले से शक था, मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोला था कि अदालत सबूत मांगती है क्योंकि साबेखा में जो फीस माफ़ करो बोल के फीस एजुकेशन माफिया जो है फीस बहुत ले रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी अदालत को गए, तो अदालत जो है सबूत मांगती है कोई चीज़ का फैसला करने से पहले, एक लंबी तवील बहस होती है। और ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का जो माफिया है बहुत स्ट्रांग है इसमें, इसमें जो है कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहीं ना कहीं इनको कुछ फ़ायदा होता है या ये लोग जो है उसमें पार्टनरशिप में रहते हैं तो इनके मुंह में जबान नहीं रहती इनके ख़िलाफ़ में और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को मैनेज कर लेते हैं। तो अभी मेरे से मुलाकात हुई हमारे DG नरसिम्हा राव साहब से और हमारे अब्बास साहब है CPM के है और BLF पार्टी के भी आप मलकपेट इंचार्ज हैं। तो ये लोग पूरे हॉस्पिटल्स को फिर के जो मरीज़ की बिल्स आए जैसा 5 लाख 7 लाख 10 लाख वो बिल्स जमा कर रहे हैं। तो मेरा मुतालबा है कि क्योंकि इनके पास बिल्स नहीं है, बिल्स जमा कर रहे हैं लोग, मैं भी कुछ बिल्स जमा करके दिया हूँ। ये मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं या तो मुझसे रब्त कायम करके दीजिए या अब्बास साहब से रब्त कायम करके दीजिए या खुद आप जो है हमारे DG नरसिम्हा राव साहब से मिलके जो है आप अपने बिल्स दे सकते हैं ताकि आने वाले जो भी पेशेंट्स एडमिट होंगे उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होना और एक स्लैब सिस्टम में कैप सिस्टम में इनका इलाज होना। मैं गुजारिश करूंगा हमारे DG नरसिम्हा राव साहब से कि आप क्या क्या अभी तक कोर्ट में आपकी लड़ाई हुई इसके बारे में पब्लिक को बताइए और पब्लिक से आपको क्या कॉपरेशन होना है इसके बारे में बताइए। मैं हिंदी में बात करना नहीं, आप तेलुगु में, तेलुगु में मैं तो तेलुगु में बताओ। हैदराबाद प्रजलंदर की
पटना राष्ट्र कमिटी तरफ डीजी नरसिंहराव प्रधान कार्यदर्शि अपील कोविड 19 तो गत 6 मासाला प्रपंचमंत अतराकुतम करोना उधृत प्रपंच देश भारत देश वख्य वेल पी लक्षल संख्य दाटे पैसा इपड़की 6 लक्षल दाटी प्रपंच मूडो स्थाना की अमेरिका ब्राजील तरवा इवा मूडो स्थाना की इंडिया वे इंडिया रावट उधृत तो अनेक पटना बॉम्बे दिल्ली अहमदाबाद बैंगलूर चेन्नई पटना चारा स्पीड करोना उधृति विस्तरी अंदर भाग हैदराबाद पोटी पड़ती भारत देश प्रपंच देश पोटी पड़े मूडो स्थाकने इवा ढिल्ली चेन्नई बैंगलूर महाराष्ट्र अहमदाबाद तो सामान हैदराबाद करोना विस्तृति वख्यों इन दादा 17,000 केसलु चलने वाला संख्य रोज रोज मुख्य हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद पोटी जनाभा उ प्रजल मध्य करोना दागुड़ मूतलाड़ी एवर की अर्थंगा पैस्थिंदी एवर की एपड़ी अंटको आधे दाँ बलो आंदोलन पड़ता अंकने इला करोना उधृत प्रमादक पैसों प्रजु आंदोलन चुनाव मैं भविष्य आरोग्यमें तेलंगा राष्ट्र प्रभुत्म मोदी केसीआर गार प्रारंभ में लाकडौन मुझे को अंदर की आश कल मे खत दी कटे करोना खत्म आधा तेलंगा दी कमार अंदर उत्साह आधा राष्ट्र प्रभुत्म चर्कान लाकडौन एन तरह पैस्थ चूस्ते लाकडौन पेटे समय में राष्ट्र प्रभुत्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभुत्व हास्पिटल आधा प्रईवेट हास्पिटल वोटी पैंडमिक मतलब प्रपंचमंत करोना एफेक्ट नष्ट प्रजल की लक्षल मंद के मंद के बोतनाई वेल नीचे लक्षल मंद प्राण पैसा अंके लाकडौन पीरियड राष्ट्र प्रभुत्म कभुत्व हास्पिटल भर्ती दवाखा नीचे जिला हास्पिटल वरकू हेड क्वार्टर हास्पिटल को आधा प्रईवेट कॉर्पोरेट हास्पिटल समन्वय से कोआर्डिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पेंटे बेड्स आईसीयू यानी आक्सीजन यानी इलांट आक्सीजन लेकिन चेस्ट हास्पिटल चूसा आक्सीजन लेदे आधा कल पैस्थिंद राष्ट्र प्रभुत्म चेस्ट हास्पिटल चलो फीवर हास्पिटल चलो गांधी हास्पिटल चलो वील के बेड्स लेकिन आक्सीजन लेकिन चलो अंक मुगर आईएएस आफीसर तो कमटी वैसी परशीता प्राणा पोइंट लाकडौन 60 रोज इलांट एर्पटे तेलंगाणा राष्ट्र का मुख्य हैदराबाद यानी पोटी बड़ी प्रमादक पैसे का अंकने मे इला को राष्ट्र प्रभुत्म लाकडौन पीरियड चर्चा लाकडौन एक्सन तरह करोना रोज रोज की पेगी इवा कैसे हैदराबाद 82-90% आफ् दि 1000 केसेस 82-90% 800-900 वरक हैदराबाद केस अंके मे आंदोलन चंदी राष्ट्र प्रभुत्वा विज्ञप्ति चसा प्रिंसपल सी हेल्थ चीफ सैक्रटरी आधा डीएचओ डायरेक्टर मेडिकल इंस्ट्यूट अपील अपील वालेवरू दी रिप्लाई इच्छे पैस्थ एपड़ता राष्ट्र प्रभुत्म इंत निर्प्त में निर्लक्ष्य प्राणा पे पट्टो अधिकार रिप्रजेशन कहींसम रेस्पा को पैस्थित इंक गत लेक मे न्यायस्था की राष्ट्र हाईकर्ट की वेलाक तपन पैस्थिंद राष्ट्र न्यायस्था ने मैं 20वें तेदीना के फाइल अभी अडमटी के नंबर 142/2020 अडमटी निटो तेदीना अभी हिरी वे అందుకని మేము రాష్ట్ర హైకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయమూర్తికి డివిజన్ బెంచ్కి మొదటిగా థాంక్స్ చెప్తున్నాం మా కేసుని కనీసం వినడానికి మీరు అడ్మిట్ చేశారు వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వి ఆర్ థాంకింగ్ ది హైకోర్ట్ అండ్ డివిజన్ బెంచ్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అయితే మేము ప్లీ అందులో పెట్టింది 2-3 అంశాలు ఒకటి ఇవాళ కరోనా కేసులో డోర్ టు డోర్ చేయాలి చేస్తే ఎవరైతే ఐడెంటిఫై అవుతారో వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ చేయటం స్టేట్ అవే సాధ్యమవుతుంది इवा टेस्ट चेयकते केस ट्रेस ट्रीटमेंट एवर की बेडस उन्या बेड्स लेवो गांधी हास्पिटल मतमे उ अंक राष्ट्र नीचे वेला मंदिर गांधी हास्पिटल को चूसे डाक्टर ले पट्टुकने डाक्टर लेने पैस्थिंद इवा अला पैस्थ गांधी हास्पिटल डाक्टर्स पदे पदे स्ट्रैकल
మేము చస్తున్నాం మా ప్రాణాలు పోతున్నాయి మేము ట్రీట్ చేయలేము అవసరమైతే ఇతర హాస్పిటల్స్ పంపించండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని కూడా హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చాం హైకోర్టు కూడా దాన్ని గతంలో పరిగణలోకి తీసుకుంది ఒక గాంధీ హాస్పిటల్ మీద ప్రజలు ఎందుకు ఉండాలి అని చెప్పింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీమ్స్ని ఆ విధంగా గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ప్రారంభిస్తామన్నారు మూడు మాసాల క్రితం ప్రకటించారు కానీ ఈరోజు ఏంటంటే 25 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి జీవో తీసుకొచ్చి ప్రారంభించిన దాన్ని మాత్రం ఆ విధంగా పేషెంట్ అడ్మిట్ చేసుకోవడం కానీ అవసరమైన డాక్టర్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ లేకుండా పోయింది అందుకనే ఇవాళ మేము కోరింది ఏంటంటే గాంధీ హాస్పిటల్ టిమ్స్ ఈ రెండే సరిపోవు ఇవాళ హైదరాబాద్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ రాష్ట్రంలో 1 లక్ష బెడ్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఒక హైదరాబాద్లో కార్పొరేట్ ఈ హాస్పిటల్స్ సుమారుగా 25,000 నుంచి 30,000 ఉన్నాయి అలాగే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఏంటంటే హాస్పిటల్స్లో ఉన్నాయి అక్కడ కూడా సుమారుగా ఏంటంటే 20,000 బెడ్స్ ఉన్నాయి అందుకని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ సంబంధించిన అటాచ్ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ వీటికైనా ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకుని ఆ బెడ్స్ని కనుక ఫర్ టైం బీయింగ్ 6 మాసాల 1 ఇయర్ టైం బీయింగ్